जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, महाप्रभु को सिंहद्वार रे महाप्रभु लीलामय को लीलामय को स्वागत। लीलामय महाप्रभु जगन्नाथ तांको लीला विषय वस्तु टी बढ़िया राशि चक्र सह नवग्रह संपर्क। राशि सीधा कथा कहिबा को गले ये राशि आपण देखिबे मेष वृष कर्कट मिथुन मेष वृष मिथुन कर्क ये जिते सब कथा आसे सिंह कन्या तुला बिछा ये बारटी जाक राशि ये बारटी जाक राशि कार्य कौन इमाने ये राशि चक्र इमाने कौन करती ना नवग्रह सहित जड़ित था। प्रथम कथा नवग्रह, नवग्रह किए से आपण देखिले नौटी जाक ग्रह कथा आसे रवि महाग्रह सूर्य महाग्रह तेणु ये समस्त राशिचक्रर अधिपति ग्रह मान गणना कराए पुणी राशि सहित किए से ना सतैश नक्षत्र अच्छा राशि नक्षत्र सहित गणना कराए तेणु राशि नक्षत्र ग्रह सीधा कथा कहवाकू हेल्ले ये सब मिसिकी गोटे पंचांग अर्थ पांचटी जिनस पांचटी अंग को मिसी थवर पंचांग बोली कह जाए पंजिका पंचांग पंचांग जे कि आपण मैंने देखिए राशि नक्षत्र ग्रह तिथि एवं बार ये पांच जन मिसिले गोटे पंचांग प्रस्तुति हुए आउ एथिरे भूमिका नवग्रहंकर जथेष्ट उच्चरे। जदि आपण माने देखिबे सूर्य महाग्रह आदित्य वास रवि रविवार रे सूर्य बार तेणु एठारे सूर्यंकर आशीर्वाद अनेक लोक मध्य रही जे कि कहते रविवार जो मैंने जन्म लाभ करते तांको ना रवि दे दे था मन पकेया किंतु अन्य गोटे कथा देखिबे रवि सोम सोम जे शीतल प्रतीक चंद्र केते गुड़े जदि धरी नियंतु चंद्र महादशारे आम राशिचक्र सहित जदि देखिबे रवि शुद्धि नहले कौन से शुभ कार्य करा जाए ना प्रथम रवि शुद्धि देखा पड़े जदि रवि शुद्धि न आसे ताले से पिलार कौन से माने विवाह विलंब होता है रवि शुद्धि आसिले जाके तार विवाह कार्य बा माने मांगलिक कार्य करा जाय थाए मांगलिक प्रत्येक उपनयन हो माने परिणय हो ए सबुरे मांगलिक कार्य पई देखा जाए था कौन ना रवि शुद्धि आ मंगल ग्रह जहाँ उच्चरे था सी कौन करती मैंने सतत मालामाल कारण मंगल ग्रह जो उच्चरे थे से आपणकर अर्थ निश्चित भाव न आसे मानने रोक रही पड़ रही कौन बहुत दिन है मिलून अर्थ आपण प्राप्ति हो। राशि चक्र सहित आप देखिए कन्या राशि अधिपति होती बुध आपण मैंने आश्चर्य हे कन्या राशि अधिपति बुध शांत सरल स्वभाव किंतु मन भितर कौन से प्रकार आबिलता न थाए आउ समय को से स्वागत करती देखिए केमी कौ जगार कौन चली जगार केमी मुझे अतिक्रम करी जड़े बलवान पाखे केमी जो धरी नि जड़े क्रोधी लोक आसूसी सांगे सांगे नम्रतार सहित बुझेदे आ जड़े नम्रता को केमी बुझे दि जाए ये जमी राशिचक्र तेणु कथा आसे राशिचक्र मान आमर सारा भारत बर्षर एक स्थिति नियंत्रण करें तेणुक आप देखिए आ महाप्रभु श्री श्रीकृष्ण भगवान जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र वृष राशि किंतु हेले कौन बढ़िया कथाटे कथार विलक्षण आसे रोहिणी नक्षत्र वृष राशि भाद्रव कृष्ण अष्टमी तिथि एमिति तिथि रे जन्म लभितु केमिति होइलु परवासी मते दुख लगुचि मते हस लगुचि दीटा कथा आसी रोहिणी नक्षत्र वृष राशि जन्म करितिबा व्यक्ति विशेष बा जो पिला से पुणी प्रवासी होगला आ प्रवासी हबारु प्रवासी पति प्रिया जेने मो मन तोपा देते सने आप पाखेरे थिबा लोक सबुदिन जगन्नाथ को दर्शन करें माने ना ए आसिले पत्तवान मुंड टे टुंगारदे देखीदे पलैले किंतु देखिए दूर रु जी आसवे से घंटा घंटा धरिकी से अपेक्षा करेंगे तेणुक गोटे बढ़िया कथा आसे स्टेशन पाख लोक गाड़ी फेल हुए हाँ ट्रेन तो आसनी आ चाह पी दे ट्रेन छाड़ दे
ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଏ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଭାବ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଇଏ ସବୁରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତିରେ। କିନ୍ତୁ ମଥୁରା, ଦ୍ୱାରକା, ଇଏ ଗୋପଲୀଳା, ଇଏ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଲୀଳାକୁ ଆମର ଅର୍ଥ, ଆମର ଶରୀର, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଶରୀର ତା'ର ଅର୍ଥ, ତା'ର ପାରିବାରିକ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ଗୃହ, ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଚଳନିକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଏଠି ରାଶିଚକ୍ର ଆଉ ନବଗ୍ରହଙ୍କ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମୂଳରେ ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି କିଛି କାମ କରେନି, ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, କହୁ କହୁ ଆଜି ଯାହା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନେଇକି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଦେଖେଇବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେଖେଇଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଆସିବ କ'ଣ? ଆରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତ ଅଙ୍କ ପାଠ, ତ ଗଣନା ପାଠ, ଦୁଇ ଦୁଇଗୁଣେ ଚାରି, ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଇଗୁଣେ ପାଞ୍ଚ କେମିତି ହେବ, ଦୁଇ ଦୁଇଗୁଣେ ତିନି କେମିତି ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆଜିର ତାରିଖରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଆମେ ଯାଉଛେ ବୁଲିବାକୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ଭୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଗଣନା, ଆମ ନିଜର କେଉଁ ବାଟେ ମୁଁ କ'ଣ, କେଉଁଠି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କେଉଁ ବାଟେ ତାଠୁ କେମିତି, ଏ ଯେଉଁ ନିଜର ମନୋଭାବ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେ ତା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଏସବୁ ସମାନ ନ ଆସିବ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଆମକୁ ମିଳିବେ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଦେଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ସେଠି ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ହିଁ ନଥାଏ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।